नमस्कार, जेकेके न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजकल एक नया फार्मूला तेजी से चला रही हैं। जी हां, इस स्कीम के तहत महिलाओं को घर बैठे पैसा कमाने का एक नया रास्ता भी मिला है। यूपी के अमेठी जिले में नीम के पेड़ों के अधिकांश संख्या को देखते हुए नीम के निम्बोली यानी नीम के होने वाले बीज को महिलाएं एकत्रित करके बेचती हैं, जिससे उनका परिवार का खर्च आसानी से चल जाता है। नीम के निम्बोली का उपयोग कई वस्तुओं में भी किया जाता है। गुजरात की एक कंपनी इस निम्बोली को 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर लोगों को रोजगार देती है। ज़्यादातर इसका उपयोग नीम कोटेक यूरिया बनाने के काम आता है। इस प्लान को लेकर जिले से बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की अमेठी में जो पहल है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अमेठी लोकसभा, अमेठी जनपद और सलोम विधानसभा में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, गांव की वो महिलाएं जो कहीं जाकर रोजगार नहीं कर सकती, अपने दरवाजे पे बैठकर जो नीम गिरती है इसको इकट्ठा करती है। और दीदी स्मृति जी के प्रयास पे गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एक कंपनी है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों को, देशों को पूरा करने के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाने के लिए नीम यहाँ पे खरीदती है। 8 रुपये किलो भीगी नीम को, सूखी भीगी नीम को खरीदते हैं और ले जाके तुरंत महिलाओं को पैसा देते हैं। हमारे गांव में लोग फिल्टर बने हुए जहाँ पे महिलाएं जाती हैं, नीम देती हैं। इससे महिलाओं के अंदर एक रोजगार स्वावलंबन प्रदान करने की जो आत्मनिर्भरता स्मृति जी ने प्रदान की है, हम अमेठी वासी उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसकी शुरुआत नीम की निगोली अमेठी में दीदी ने कब किया था? इसकी शुरुआत जगदीशपुर के पास कठौरा है, वहाँ ये गुजरात नर्मदा के MB महोदय आए थे और कुमारगंज में जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की बातचीत की शुरुआत हुई थी। और आज अमेठी के हर गांव में, हर परिवार में नीम बेची जा रही है और खरीदी जा रही है। महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम 47 ग्राम सभाओं का दौरा किया, बढ़िया हर घर जा जाके सबको बताया और नीम इकट्ठी करने के लिए सबको प्रेरित किया। तो हमको कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है, हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना कलेक्शन कर लेंगे। इस समय हम 150 क्विंटल जो है कलेक्शन कर लिए हैं। हाँ, ये जो स्मृति ईरानी दीदी की वजह से योजना लाई गई है, ये गांव देश की सबसे गरीब महिला जो नीचे तबके की है उनको समृद्ध बनाने के लिए, थोड़ा उनकी आय बढ़ाने के लिए सब व्यवस्थाएं की गई है। और उन्होंने ये गांव के अंदर अपने आप की पैठ बनाने के लिए वो गांव पहुँच, हर गरीब महिला के पास पहुँचने का प्रयास कर रही है। जेकेके न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जेकेके न्यूज।